नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर से सोना चोरी मामले का पुलिस ने क्या खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, सोना बरामद। कटौनी निरोधिकारी का डीएम ने किया निरीक्षण, अभियंताओं को बेहतर कार्य कराने के दिए निर्देश। विक्रमशिला सेतु पर जाम के कारण लोगों में त्राहिमाम, डीआईजी बोले जल्द होगा जाम की समस्या का समाधान। जाति जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने दिया बयान, कहा जल्द होगी सभी दलों के साथ मीटिंग। और ऑपरेशन पवन में अदम्य साहस का परिचय देने वाले कैप्टन निर्भय सिंह को किया गया याद। अब खबरें विस्तार से। सहरसा जिले के बैजनाथपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर से सोने की हुई चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। दरअसल बीते 10 अप्रैल को शाखा प्रबंधक ललित कुमार सिन्हा ने बैजनाथपुर ओपी में लिखित आवेदन दिया था, जिसमें बैंक के लॉकर से सफाई कर्मी उमेश मलिक के द्वारा अवकाश के दिन बैंक में आकर लॉकर से तकरीबन 2 किलो 700 ग्राम सोना चोरी कर लिए जाने की बात अंकित की गई। इस बात की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज देखने से हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी लिपि सिंह ने प्रशिक्षु डीएसपी निशिकांत भारती के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने मामले को चुनौती के रूप में लेते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए सोना चोरी की घटना का उद्भेदन कर दिया। साथ ही चार लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। एसपी लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूरब बाजार स्थित मिशन कंपाउंड के संजय शाह के घर से 561 ग्राम सोना का जेवर एवं 4,39,000 की 500 नेपाली करेंसी बरामद की गई है। वही मोतिहारी के घोड़ा सहन निवासी सुनील कुमार के घर से 245.160 ग्राम सोना का जेवरात बरामद किया गया है। साथ ही साथ बैंक के सफाई कर्मी उमेश मलिक के घर से 321.730 ग्राम सोना का जेवरात बरामद किया गया है। एसपी ने कहा कि कुल सोने की बरामदगी 1128.640 ग्राम की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम उमेश मलिक, संजय शाह, मुन्ना शाह और सुनील कुमार है। फिलहाल पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन बैंक में चोरी हुए 70 लाख के जेवरात की बरामद की अभी बाकी है, जिसके लिए पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसपी लिपि सिंह ने बताया कि जल्द ही बचे सोने को बरामद कर लिया जाएगा, इसके लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। 10/5/22 को शाखा प्रबंधक SBI बैजनाथपुर के द्वारा थानाध्यक्ष बैजनाथपुर को सूचना दी गई कि 23 अप्रैल 2022 को उनके यहाँ से चोरी हुई है और गोल्ड ऑर्नमेंट्स 2 किलो 700 ग्राम के अराउंड थे। सीसीटीवी फुटेज को देखा गया 23/4/22 को और उस दिन अवकाश का दिन था। क्योंकि मामला इतना संवेदनशील था और भारी मात्रा में सोने की चोरी हुई थी, त्वरित एक SIT का गठन किया गया DSP प्रोबेशनर निशिकांत भारती के नेतृत्व में और उनके द्वारा उसकी पूरी टीम के द्वारा एक सफल उद्भेदन किया गया। बैंक ने बताया कि जो झाड़ू पोछा करता है, सफाई कर्मचारी है बैंक का उमेश मलिक, उसी ने ये चोरी की है। प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पे संजय शाह, अनिल शाह और सुनील कुमार जो कि ज्वेलर है गुड़ासन मोतिहारी के, उनको गिरफ्तार किया गया और कुल सोना अभी तक जो हम लोगों ने बरामद किया है वो 1 किलो 128 ग्राम .640 है, साथ में 4,49,500 नेपाली करेंसी भी है। नवगछिया अनुमंडल के लोगों को कोसी और गंगा के रौद्र रूप का प्रत्येक वर्ष सामना करना पड़ता है। इस बीच जल संसाधन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से प्रत्येक साल बांध का निर्माण और मरम्मत का कार्य विभाग के द्वारा कराया जाता है। इस दौरान अधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा जाँच भी किया जाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ के साथ साथ जान माल की भी काफी क्षति होती है। हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में वर्ष 2008 से लगातार कटाव हो रहा है और विभाग के द्वारा अब तक अरबों रुपए इस कटाव को रोकने के लिए खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज तक कटाव की समस्या से जनता को निजात नहीं मिल पाया है। हम आपको बता दें कि पिछले साल ही जल संसाधन विभाग की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से बने बांध पर एक चूहा के भारी होने की बात कही गई थी, जिसमें मंत्री जी चूहे को बांध काटने की बात कहकर अपना दायित्व से बचते दिखे थे, लेकिन भागलपुर लोकसभा सदस्य अजय मंडल ने कार्य में भ्रष्टाचार होने की बात
बात कह रहे थे। वहीं इसी बीच सोमवार को भागलपुर जिलाधिकारी के द्वारा पुनः इस बांध का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्य बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत जल्द कार्य पूरा हो जाएगा। आज गंगा किनारे जो इस्माइलपुर बिंटोली है और जो जानवी चौक से इस्माइलपुर तक का बंध बना है, उसका निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया है। कार्य तेज गति से चल रहा है और जो भी अभी बचा हुआ कार्य है उसको हम लोग 30 मई तक हर संभव पूरा कराएंगे। जो नया जानवी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध बना है उसमें भी कुछ स्लुइस गेट वगैरह का काम छूटा हुआ है, जिसमें नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, उस सीजन से पहले जो है बरसात से पहले हम लोग सारा कम्प्लीट करेंगे। इधर जो कोसी में बहुत जगह काम अभी तक कोसी में वो टेंडर के स्टेज में है। भागलपुर को अवध, आसाम और सीमांचल से जोड़ने वाले लाइफ लाइन विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम के कारण जहां त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, वहीं इस रास्ते से आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG विवेकानंद ने व्यवस्था में कुछ दिनों में पुख्ता सुधार किए जाने का दावा करते हुए कहा कि भागलपुर जिले में ट्रैफिक एक जटिल समस्या है जिस पर सीरियस कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जनता को घंटों रोड पर जाम से जूझना पड़ता है जिससे उनका आवश्यक कार्य नहीं हो पाता है। DIG ने कहा कि पुलिस मुख्यालय से दो बड़े क्रेन जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर मिले हैं। एक क्रेन नवगछिया की ओर से पुल पर रहेगा जबकि दूसरा क्रेन भागलपुर की ओर से विक्रमशिला सेतु पर रहेगा, जो किसी भी गाड़ी के खराब होने और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के कारण लगने वाले जाम की समस्या से तुरंत निजात दिलाएगा। ट्रैफिक जो है भागलपुर में एक महत्वपूर्ण या कहें कि अति महत्वपूर्ण बिंदु बनकर के उभरा है और इस पर सीरियस कार्रवाई अपेक्षित है, क्योंकि जनता, आम जनता जो है, यदि उनको घंटों रोड पर रहना पड़ता है और वह आवश्यक कार्य नहीं कर पाते तो उन्हें परेशानी भी होती है। तो इस हमने जो है आज ही हम लोगों को पुलिस मुख्यालय से दो बड़े क्रेन प्राप्त हुए हैं, एक नवगछिया जिला को और एक भागलपुर जिला को, जो कि विक्रमशिला सेतु के दोनों ओर रखा जाएगा और जहाँ भी जिस तरह की गाड़ी खराब होने के कारण प्राय जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसको तुरंत हटा पाएंगे। जाति जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के साथ मीटिंग जल्द बुलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी से मेरी मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने ये बात उनको बताया था। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस विषय पर फैसला लेकर जाति जनगणना शुरू कराया जाएगा। जाति जनगणना शुरू करने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा, इसके लिए विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। सभी का सुझाव लेकर और नियम बनाकर आगे कार्य किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा आप सभी को पता चल जाएगा। क्या लगता है कब तक ये और पार्टी मीटिंग? पता ही दिया गया, हम लोग बात करेंगे उसके लिए, सब बात तो कह दिया कि एक बार ऑल पार्टी मीटिंग कर लेंगे। इसको जो करना है राज्य में अपना, तो उसके लिए सब पार्टी की मीटिंग एक रोज बुलाएंगे और सब लोग बैठ करके सब अपना अपना। ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका में अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त कैप्टन निर्भय कुमार सिंह को उनके शहादत दिवस पर याद किया गया। 32वें शहादत दिवस पर रविवार को भागलपुर रेड क्रॉस रोड स्थित स्मारक पर उन्हें नगर निगम के पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, चंदन ठाकुर समेत कई लोगों ने पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर लोगों ने उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि कैप्टन निर्भय सिंह भागलपुर ही नहीं बल्कि देश के लिए गौरव है। वहीं परिवार के सदस्यों ने बताया कि देश की रक्षा के लिए 15 मई 1989 को कैप्टन निर्भय श्रीलंका में शहीद हो गए। पुष्पांजलि समारोह में अभय सिंह, नितेश सिंह, पंकज सिंह, रंजन कुमार सिंह, फजरुल रहमान, राजीव समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर तिलकामांझी हटिया रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल की 12वीं वर्षगांठ पर रविवार को लाइफ स्पैन डायबिटीज क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। क्लिनिक का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सहबाका विधायक राम नारायण मंडल, प्राइड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जयप्रकाश सिन्हा, IMA के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, सर्जन SN झा, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं अतिथियों का स्वागत हॉस्पिटल की संचालिका काकुली सिन्हा ने बूके देकर किया। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि बदलती जीवन शैली की बड़ी समस्याओं में से एक डायबिटीज अब किसी खास आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। ऐसे में इस रोग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि इससे जुड़े सभी पहलू की जानकारी रखी जाए। मौके पर डॉक्टर JP सिन्हा ने बताया कि हमारे लाइफ स्पैन डायबिटीज क्लिनिक में रिस्क
नामक एक ऐसी आधुनिक मशीन है जिसके जरिए हम मधुमेह रोगियों के 20 मिनट में 30 तरह की जांच कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रिस्क आरआई ऐसी मशीन से जांच के बाद डायबिटीज रोगियों में होने वाली जटिलताओं से चिकित्सक अवगत हो सकेंगे, जिसके बाद इलाज में काफी सुविधा होगी। सर्जन डॉक्टर जेपी सिन्हा ने जानकारी दी कि भागलपुर में पहली बार रिस्क मशीन लाई गई है जिसके जरिए 30 तरह की जांच पीड़ा रहित होगी। उन्होंने बताया कि क्लिनिक में डॉक्टर पीवी मिश्रा, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह एवं डाइटिशियन दीपशिखा कुमारी भी सेवा देंगे। मौके पर डॉक्टर महेश, डॉक्टर हिमादरी शंकर, सुंदर लाल हजारी समेत कई लोग मौजूद थे। प्राइड हॉस्पिटल का सफर तो मैं कहूँगा कि 12 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया और इस क्षेत्र के लोगों के लिए सर्जरी के नई नई विधाओं को हमने लाया है। 2005 में हम लोगों ने IRC मशीन लाया था जो कि 22 के बवासीर के रोगियों के लिए काफ़ी वरदान साबित हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने CR मशीन हड्डी के जोड़ने या उसके ऑपरेशन के लिए लाया था। उसके बाद हम लोगों ने 2017 में जो है लेप्रोस्कोपी और लेज़र मशीन लाया जिसके कारण जिसके द्वारा जो है पाइल्स फिसर और फिस्टुला का बहुत सहज ढंग से ऑपरेशन होता है। लेप्रोस्कोपी से हम लोग छोटे क्षेत्र से बड़ा ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी और अस्पताल में जो है व्यापक जांच के काफ़ी सारे साधन लाए हैं, जैसे TMT मशीन है, जैसे स्पायरोमेट्री है ना, HD प्रोप्टोस्कोपी है। इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक पैथोलॉजिकल सेटअप किया है जिससे कि मरीज को कहीं दूर नहीं जाना पड़े। एक अपना एक्सरे प्लेन था वो डिजिटल एक्सरे कर लिया है। और इस सब उसके साथ ही 12वें सालगिरह पे हम लोग जो है डायबिटीज़ के लोगों के लिए, जो कि डायबिटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत ज़्यादा है और करीब 1,00,000 डायबिटीज़ के लोग जो है हर साल भारत में मृत्यु होती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को पहले से डिटेक्ट करने के लिए उसका जो इंडिकेशन देने के लिए हमने एक मशीन लाया है लाइफ स्पैन डायबिटिक क्लिनिक के साथ में टाई अप करके। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरेन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। एक आवश्यक सूचना, यह बच्चा गूंगा है और 5 मई 2022 की सुबह 6 बजे से लापता है, जिसका नाम राज है। पिता का नाम इम्तियाज कुरैशी, उम्र 12 वर्ष, रंग गोरा है। बच्चे ने भूरे रंग का टी शर्ट एवं हरे रंग का ट्राउजर पहना है, जो चंबेली चक रोड मौलाना चक भागलपुर बिहार का निवासी है। बच्चे की जानकारी मिलने पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सूचित करने की कृपा करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया सोमवार को जिले के मारवाड़ी कॉलेज में सुबह से ही शुरू हो गई। स्टील चिलाती धूप में बहाली में शामिल होने आई महिलाओं में काफी जोश देखने को मिला। आपको बता दें कि होमगार्ड बहाली में हुए लेट लतीफी के बाद यह प्रक्रिया 10 साल बाद पुनः आयोजित हुई, जिसमें भागलपुर जिले की 282 और पुलिस जिला नवगछा के लिए 256 पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी, जिसमें कुल 1087 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं बहाली में महिलाओं ने अपने फिजिकल टेस्ट के दौरान बताया कि आम तौर पर महिलाओं के शादी होने के बाद परिवार वालों की यह मंशा होती है कि महिलाएं सिर्फ घर का काम और चौका बर्तन के लिए बनी है, जबकि उनमें भी कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। वहीं जगदीशपुर प्रखंड से आई प्रीति देवी ने बताया कि 2011 में ही उन्होंने होमगार्ड में भर्ती के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद 2022 फरवरी माह में बहाली की जानकारी मिलने पर उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे होने के बाद परिवार के लोग उन्हें इस बहाली में भाग लेने से मना कर रहे थे, बावजूद
बावजूद इसके पति के सहयोग से प्रीति देवी ने नौकरी के लिए तैयारी की और फिजिकल टेस्ट के लिए जोरदार मेहनत किया और वह दौड़ में सफल हो गई। वहीं दौड़ के दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई। दौड़ में आई सभी महिलाओं ने कहा कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं है और उनमें भी पुरुषों के मुकाबले काम करने का जज्बा है। ऐसे में आगे की युवा पीढ़ियों को भी उनमें से कुछ सीखने की जरूरत है। बहाली प्रक्रिया में एडीएम राजेश छराजा सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए महिलाएं अभ्यर्थी टोटल संख्या तो आवेदक कितने हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन आज काफ़ी अधिक संख्या में जो आवेदन किए हैं होमगार्ड के लिए सभी उपस्थिति अपना दर्ज कराए हैं, जिसका दौड़ अभी चल रहा है। दौड़ होने के बाद इन लोगों का लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक सब होगा और दौड़ में देखा जो अभी जा रहा है अधिकांश अभ्यर्थी जो है प्रैक्टिस किए हुए हैं और दौड़ में अधिकांश लगभग सफल हो रहे हैं। मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों ने जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु शेखर को देर शाम बाइक लूटने के क्रम में गोली मार दी। संयोग से गोली उनके हाथ में लगी और वह बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हिमांशु अपने एक अन्य साथी राजेश के साथ भागलपुर से CDPO की परीक्षा देकर देर शाम मधेपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान उदाकिशुनगंज अनुमंडल के ग्वालपाड़ा थाना अंतर्गत रेसना के पास पहले से घात लगाए तीन अपराधियों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वे गाड़ी नहीं रोक पाए तो एक अपराधी ने गोली चला दी। संयोग से गोली उनके बाएं हाथ में जा लगी, जिससे वे घायल हो गए। घायल अवस्था में ही उनके साथी ने उन्हें बाइक चलाकर मधेपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। फिलहाल वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हिमांशु ने बताया कि अपराधी तीन की संख्या में थे और सभी की उम्र 20-22 वर्ष के बीच थी। वे मुंह में कपड़ा लपेटे हुए थे। एग्जाम था, एग्जाम मेरा सेंटर हुआ था भागलपुर। भागलपुर से एग्ज़ाम दे के लौट रहे थे तो साथ में जो दोस्त था उसका घर पड़ता है झिटकिया कलोता गए। वहाँ पे उन लोग से बात किया, आंटी लोग से आधा पौने घंटा रुके। लगभग 8:30 बजे घर से निकले होंगे। 8:45 बजे जैसे ही उसके गांव को क्रॉस किए, उसके बाद परसी गांव पड़ता है संभवतः, तो परसी और झिटकिया के बीच में ही तीन जो है, मतलब हम लोग स्पीड से ही आ रहे थे, सोचे रात हो गया, 8:30-9 बजने वाला है, तो इस एरिया में छीना झपटी होता है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड से आ रहे थे। जैसे ही हम लोग 10-20 कदम पीछे ही थे, देखे दो लड़का रोड क्रॉस किया, मुंह में पट्टी उट्टी बांधे हुए, तो हम दिमाग एक सेकंड के लिए हिंट कर गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो हम बोले गाड़ी स्पीड करो। जैसे ही गाड़ी स्पीड किया, फिर भी वो लोग जब रोड पे आया, मतलब ये लोग के सामने आए, तो इसकी गाड़ी को झपटने का कोशिश किया, लेकिन चला रहा था राजेश, तो बस इतना स्पीड से चलाया, उसके हाथ को झमारते हुए निकला, बस उतना में ही वो लोग जब असफल हो गया छीनने में, बस गोली चला दिया। तो पहले हमको लगा कि गोली अगल बगल से निकल गया, जब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं देख रहे मेरा हाथ पूरा बाया हाथ लहर रहा है, फिर जब हाथ उठा के देखते देखते पूरा खून निकल रहा है। पीपैती रेलवे उल्टा पुल निर्माण को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सोमवार को DRM के निर्देश पर रेलवे पुल का निरीक्षण करने रेलवे के अधिकारी और अभियंता पीपैती उल्टा पुल पहुंचे, जहां रेलवे के इंजीनियर विभास सिंह, यातायात निरीक्षक BB तिवारी, PWI नवीन कुमार, SI BD मंडल सहित कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काम करने में हो रही परेशानियों का निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सर्वे के बाद अलग अलग कार्यों एवं अलग अलग दिनों में ली जाने वाली मेगा ब्लॉक के लिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय तय की जा रही है और जल्द ही पुल बनकर चालू हो जाएगा। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत जहांगीरपुर वैसी पहुंचे बिहार सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित कई पदाधिकारियों के साथ कोशी नदी पर हो रहे कटाव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को मानसून शुरू होने से पहले ही कटाव रोकने का काम शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो उसे तुरंत बताएं, जिससे समय रहते कमियों को दूर कर कटाव निरोधी कार्य शुरू किया जा सके। मौके पर कहलगांव विधायक पवन यादव, विधायक गोपाल मंडल, पूर्व सांसद अनिल यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। कल मैं भागलपुर जिले के समाहरणालय में बैठक कर रहा था आपदा और श्रावणी मेला का, उसी संदर्भ में माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पूर्व में बताया और माननीय विधायक जी ने बताया कि मेरे क्षेत्र का समस्या है, इसमें कटाव पीड़ितों को कटाव से बचाना है, तो मैंने निर्णय लिया कि जब तक मैं कटाव स्थल को नहीं देखूंगा तब तक सही स्थिति पता नहीं चलता है। मैंने कटाव स्थल को भी देखा है, भयावह स्थिति है और ग्रामीणों ने मुझे आवेदन प्राप्त करने का आश्वासन दिया देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिखकर और मिलकर के और माननीय विभाग के मंत्री भाई संजय झा जी से बात करूंगा कि इसे कोसी नदी का जो कटाव हो रहा है वैसी जहांगीरपुर में अविलंब इसको रोके। मुझे लगता है कि अगर न रुका तो ये सैकड़ों घर धारा प्रवाह कोसी में ध्वस्त हो जाएगा। इनको बचाना सरकार का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है। मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ, मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ
इस पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी और जल्द कटाव निरोधक काम इस पर किए जाएंगे। नवगछिया जमुनिया गांव में रविवार को दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 9 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है। सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में गणेश पंडित, विपिन पंडित, अगन कुमार, अर्जुन पंडित, रंजीत पंडित, मनीष कुमार, शिवम कुमार, रंजू देवी, गोकुल पंडित शामिल है। जानकारी के अनुसार लोग भूमि गैर मजरूआ जमीन के लिए दोनों पक्ष आपस में मारपीट करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मारपीट हजूर, ये आज 2 महीने से जमीन हमारा रुका हुआ है, घर नहीं देने देता है। खतियानी चीज जो है वो बंटवारा कर दिया, बाद में बच गया बिहार सरकार। बिहार सरकार इनके पप्पा ने हमको 2 कट्ठा लिख दिया है। किनका पा? इनका पप्पा नाम बोलिए। नाम सुजू पंडित ने। कौन है सुजू पंडित? हमारा चाचा है सर। ठीक है, वो हम उनके नाम से जमीन हो गया था, उसने सबको सपोर्ट कर दिया, 2-4-5 आदमी को सपोर्ट कर दिया है। ये कहता है कि नहीं देने देंगे उसमें। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर से सोना चोरी मामले का पुलिस ने क्या खुलासा? 4 आरोपी गिरफ्तार, सोना बरामद। कटौती निरोधी कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण, अभियंताओं को बेहतर कार्य कराने के दिए निर्देश। विक्रमशिला सेतु पर जाम के कारण लोगों में त्राहिमाम, डीआईजी बोले जल्द होगा जाम की समस्या का समाधान। जाति जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने दिया बयान, कहा जल्द होगी सभी दलों के साथ मीटिंग। और ऑपरेशन पवन में अदम्य साहस का परिचय देने वाले कैप्टन निर्भय सिंह को किया गया याद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।